जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम 9th क्लास का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 1 ही है हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और टॉपिक हमने जो स्टार्ट किया था वो था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ लेवल्स हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर के अंदर, हमने कुछ लेवल पढ़े थे, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल पढ़ा था, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल पढ़ा था और ऑर्गेनेली लेवल पढ़ा था। 3 लेवल हमने डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट फर्दर मूव करते हैं। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है सेल लेवल। अब क्योंकि बेटा जो सेल लेवल है ये ऑर्गेनेली से अगला लेवल है, जो सेल लेवल है ये ऑर्गेनेली से अगला लेवल है, तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर ऑर्गेनेलिज होंगे। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज, एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, और ऑर्गेनाइज होकर वो एक लाइफ का यूनिट बनाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे पहले सेल लेवल को। डेफिनेशन के अतबार से हम इसको कहते हैं ऑर्गेनेलिज असेंबल्स टू फॉर्म यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। ठीक है, और इस लेवल को हम कह देंगे सेल लेवल के। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज अरेंज होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस नए स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सेल का। ठीक है, अब बेटा अगर हम सेल के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर एक सेल होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो सेल के नंबर की बेस पे ही उन ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया जाता है। कुछ में सिंगल सेल होगा, कुछ में बहुत सारे मैनी बहुत सारे सेल्स होंगे। जिनकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी होती है उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स, और जिनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं उन ऑर्गेनिज्म्स को हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स का। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो बैक्टीरिया सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, यूगलिना, इसी चैप्टर के अंदर उनका नाम भी है, उनकी डायग्राम्स भी आएंगे, उनकी डिटेल भी आएगी। ठीक है, तो ये वाले जो हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी होती है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी हुई है जो मल्टी सेलुलर, उनके अंदर हमारे पास एग्जांपल है फंजाई की, प्लांट्स की और एनिमल्स की। फंजाई सारे के सारे प्लांट्स और सारे के सारे एनिमल्स जो है वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर, उनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल लेवल। इसके बाद अगला लेवल है हमारे पास टिश्यू लेवल। अब क्योंकि ये सेल से अगला लेवल है तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर सेल्स होंगे, और इसके अंदर जो सेल्स होंगे सेल्स का ग्रुप होगा और वो सेम टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है, सेल्स का ग्रुप होगा और वो सेम टाइप के सेल्स होंगे, और उन तमाम किस्म के सेल्स का काम एक होगा, सेम फंक्शन होगा। जैसे कि स्किन है, स्किन के अंदर, स्किन का अगर हम एक छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे लेकिन काम सबका एक है, सारे के सारे क्या करवाते हैं, हमें पसीना भी आता है, हमें प्रोटेक्शन भी देते हैं। इसलिए इसी तरह हार्ट है, हार्ट के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ हैं और उन टिश्यूज़ के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अगर हम किसी एक टिश्यू की बात कर लें तो उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, सेल्स का ग्रुप होगा, लेकिन काम सबका क्या है, हार्ट की पंपिंग करवाना, पंपिंग एक्शन मतलब हार्ट बीट प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ग्रुप ऑफ सेम सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन और सेम फंक्शन। ठीक है, एक जैसे सेल्स का ऐसा ग्रुप जो एक ही काम के लिए खास हो उसको हम नाम देते हैं टिशू का, उसको हम नाम देते हैं टिशू का। और बेटा टिशू के अंदर, क्योंकि मैंने कहा कि टिशू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, टिशू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, अगर हम इसको सेल्स का ग्रुप कह रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे जो इकट्ठे होंगे एक ही जगह पे, बहुत सारे सेल्स होंगे जो एक ही जगह पे इकट्ठे होंगे, और इस ग्रुप के अंदर हर एक सेल अपनी लाइफ के प्रोसेस, हर एक सेल अपनी लाइफ के प्रोसेस जब खुद परफॉर्म करेगा। ये वाला सेल है, अगर इसने रेस्पिरेशन करनी है तो ये खुद करेगा, ये साथ वाले से मदद नहीं लेगा। अगर इसने प्रोटीन बनानी है तो ये अपनी प्रोटीन खुद बनाएगा, ये साथ वाले से प्रोटीन नहीं लेगा। ठीक है, तो टिश्यू के अंदर हर एक सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, अपनी लाइफ के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, लेकिन कलेक्टिवली वो फंक्शन बनेगा किसका, टिश्यू का। कलेक्टिवली वो फंक्शन इस सब टिश्यू का बनेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि किसी बैंक के अंदर, किसी बैंक के अंदर मुख्तलिफ लोग होते हैं
कोई ऐसा पर्सन होता है जो चेक कैश कर रहा होता है, एक बंदा ऐसा बैठा होता है जो पैसे दे रहा होता है, एक ऐसा होता है जो सिर्फ बिल जमा कर रहा होता है, ठीक है। अब वो हर एक बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन कलेक्टिवली वो काम किसका है? कलेक्टिवली वो काम होगा उस बैंक का। तो इसी तरह एक टिशू के अंदर हर एक सेल अपना अपना काम करेगा, लेकिन कलेक्टिवली वो फंक्शन बनेगा किसका? टिशू का, ठीक है। अब जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है इस यूनिवर्स में, दो ही हैं, प्लांट और एनिमल्स हैं। प्लांट के टिश्यूज और हैं, एनिमल्स के टिश्यूज और हैं। अगर हम प्लांट के टिश्यूज की बात करें तो प्लांट के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज हैं जो कि प्लांट की बाहर वाली सतह बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं जो कि उसके रूट के अंदर होते हैं, जो कि जड़ों के अंदर होते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर मस्कुलर टिश्यू जो कि मसल्स बनाते हैं, और नर्वस टिश्यू जो कि हमारा नर्वस सिस्टम जो ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट लेवल हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, दोनों के एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास है ऑर्गन लेवल। अब इसके अंदर ऑर्गन के अंदर क्या होगा? टिश्यूज़ होंगे, लेकिन टिश्यूज़ डिफरेंट होंगे। ऑर्गन एक ऑर्गन के अंदर टिश्यूज़ होंगे, लेकिन वो डिफरेंट टिश्यूज़ होंगे, डिफरेंट टिश्यूज़ अरेंज होंगे, और अरेंज होकर वो क्या करेंगे? एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस नए स्ट्रक्चर को हम नाम दे देंगे ऑर्गन का। तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट टिश्यूज़ हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मतलब उन टिश्यूज़ का फंक्शन रिलेट करेगा। टिश्यूज़ मुख्तलिफ होंगे लेकिन फंक्शन उनका सेम होगा। हैविंग रिलेटेड फंक्शन, ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गन। कैसे? इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करेंगे। जैसे मैंने टिश्यू में बताया कि हर एक सेल का अपना अपना काम होगा और कलेक्टिवली वो काम बनेगा किसका? टिश्यू का। इसी तरह ऑर्गन के अंदर हर एक टिश्यू अपना अपना काम करेगा, लेकिन कलेक्टिवली वो काम बनेगा ऑर्गन का, ठीक है। मिसाल के तौर पर स्टमक, जो स्टमक है, स्टमक एक ऑर्गन है और इसका काम क्या है? डाइजेशन एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। ये फूड को डाइजेस्ट करता है और उसको स्टोर करता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक ऑर्गन है तो इसके अंदर टिश्यूज़ होंगे। इसके अंदर दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं, हम दो तरह के टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होंगे, एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होंगे, और मस्कुलर टिश्यूज़ होंगे। अब दोनों टिश्यूज़ का अपना अपना काम है। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं, इन्होंने स्टमक के अंदर एक मटीरियल रिलीज करना होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, ताकि फूड की डाइजेशन हो सके, ठीक है। और जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं, ये मस्कुलर टिश्यूज़ स्टमक की वॉल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं और रिलैक्स करवाते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, फिर रिलैक्स करवाते हैं, ताकि जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें डायग्रामेटिकली, अगर इसको देखना चाहें तो डायग्रामेटिकली डायग्रामेटिकली यहाँ पे ये जो इसकी दीवारें हैं, इसके स्टमक की ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स इसकी बनी होती हैं इस उस मस्कुलर टिश्यूज़ की, मस्कुलर टिश्यूज़ की, और इसी के अंदर ही, इस स्पेस के अंदर ही इसके होंगे ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे, ये इस स्पेस के अंदर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ कर देंगे, और इसी के अंदर फूड भी पड़ी हुई है। इसके अंदर ये फूड है, ये फूड के पार्टिकल्स हैं, और ये है गैस्ट्रिक जूस जो के एपिथेलियल टिश्यूज़ ने रिलीज़ किया, ठीक है। अब ये गैस्ट्रिक जूस इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए है, और ये गैस्ट्रिक जूस इस फूड को डाइजेस्ट कब करेगा? जब इसके साथ मिक्स होगा। मिक्सिंग करवाने के लिए ये मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स होंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स होंगी। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान ये जो गैस्ट्रिक जूस होगा इस फूड के साथ मिक्सअप हो जाएगा और फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों टिश्यूज अपना अपना काम कर रहे हैं, एपिथेलियल ने गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया, मस्कुलर टिश्यू ने कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाई, लेकिन कलेक्टिवली काम स्टमक का बन रहा है। दोनों के अंदर क्या बन रही है? दोनों के जरिए से क्या हो रहा है? फूड की डाइजेशन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हैविंग रिलेटेड फंक्शन, टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन। अब इसके बाद ऑर्गन सिस्टम, इसके अंदर ऑर्गन्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे, वो ऑर्गन्स अरेंज होंगे, इकट्ठे होंगे, और उन ऑर्गन्स का भी फंक्शन रिलेट करेगा, उन ऑर्गन्स का फंक्शन भी रिलेटेड होगा। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज हैविंग रिलेटेड फंक्शन टू फॉर्म, हैविंग रिलेटेड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या? फूड को डाइजेस्ट करना डाइजेस्ट सिस्टम का काम है। इसके जो ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर जो ऑर्गन शामिल होते हैं, ऑरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज। अब इन सारे ऑर्गन्स के अंदर डाइजेशन होती है। ऑरल कैविटी के अंदर भी फूड डाइजेस्ट होती है,
स्टमक के अंदर भी फूड डाइजेस्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी डाइजेस्ट होती है, लिवर का भी डाइजेशन में रोल होता है और पैंक्रियाज का भी डाइजेशन में रोल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, ठीक है, कि इन सब का फंक्शन आपस में रिलेट कर रहा है और वो कलेक्टिवली फंक्शन किसका होगा, इस ऑर्गन सिस्टम का होगा, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा। ठीक है, यहाँ तक बेटा अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी चीज़ हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।